वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक व्हील 7007। तो आज आपको लेके आए हैं आपके लिए एक हीरो की ऑक्टिमा CX। ये देख सकते हो आप शोरूम में आपके लिए तैयार खड़ी हुई है ऑक्टिमा CX। दो वेरिएंट आते हैं इसके, एक डबल बैटरी में एक सिंगल बैटरी में आता है। और ये जो स्कूटी है ये डबल बैटरी के अंदर है। और चलो इसकी आप एक बार लुक देख लीजिए। चलिए भाई आज आपको दिखाते हैं अब इसके फीचर। और ये जैसे ही हम इसकी की ऑन करेंगे तो यह डिजिटल मीटर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप देख सकते हो इसकी बैटरी का आइकॉन दिया हुआ है, स्पीडोमीटर दी गई है कि आपकी स्पीड कितनी स्पीड में चल रही है। उसके बाद ये आपका दिखा रहा है कि कितना किलोमीटर ये चलेगी। उसके बाद भी काफ़ी ऑप्शन है, लो बीम, हाई बीम, रिवर्स का, बैटरी, काफ़ी आइकॉन दिए गए हैं इसके अंदर। बाकी आप लाइट देख सकते हो इस साइड में, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न वगैरह सब कुछ है इसमें। और सबसे मेन बात है इसका मोबाइल चार्जर भी है, आप अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे मोबाइल पॉइंट भी दिया गया है मोबाइल चार्जर के लिए, जिसमें आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। और कुछ ऑन की ऑन करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी जो मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। और इसकी जो है ये बिल्कुल LED में लाइट दी हुई है, जो इंडिकेटर है वो भी LED में दिए, हेलोजन में दिए गए हैं। और कुछ इस तरीके से आपको इस स्कूटी का व्यू मिलेगा स्टार्टिंग से। और भाई ये ऑक्टिमा CX का वर्जन है, वेरिएंट है S12A वेरिएंट है ये ऑक्टिमा X का। इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि इसमें सबसे मेन जो फंक्शन है वो है क्रूज़ कंट्रोल। ये देख सकते हो आप, अगर आप 60-70 की स्पीड पे इसको कैसी कितनी भी स्पीड पे आप इसको चला रहे हो और आपको हैंड में पेन है या कुछ भी वगैरह, तो आप इसको क्रूज़ कंट्रोल करके आप इसको वहीं पे स्पीड रोक सकते हो। यानी कि आपने 40 पे क्रूज़ कंट्रोल दबाया है तो ये 40 तक आपका क्रूज़ कंट्रोल में चलेगी। बाकी इसमें सबसे मेन बटन है R रिवर्स, यानी कि हम अगर इसको देखो सिंपल चलाएँगे तो ये सिंपल चलेगी। हम इसका रिवर्स बटन आप क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद अगर हम इसका एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये देखिए रिवर्स चलने लग जाएगी। यानी कि आपको ना तो अब रिवर्स की परेशानी रहेगी और ना ही कुछ, तो बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है ये रिवर्स का। इसके बाद भाई अगर हम इसकी बात करें तो ये 82 किलोमीटर चलेगी वन चार्जिंग में, 82 किलोमीटर के रेंज देती है एक चार्जिंग के अंदर। और अगर अब हम इसकी बैटरी की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ड्यूल बैटरी है। ये देख सकते हो आप, ये इसका बूट स्पेस मिलता है आपको, चार्जर का स्पेस। इसके बाद ये बूट स्पेस मिलता है जिसमें आप एक हेलमेट ही रख सकते हो नॉर्मली। उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहो तो इसमें स्विच दे रखा है B1 B2, यानी आप बैटरी 2 से चलाना चाहते हो तो B2 दबाना और B1 से चलाना चाहते हो तो B1 दबाएगा। और चार्जर कुछ इस प्रकार की पैकिंग में मिलेगा आपको। और इसके चार्जर का वोट है 55 वोट का चार्जर है इसका। भाई अब इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 120 प्लस चलती है, 120 प्लस की इसकी रेंज है ड्यूल बैटरी के अंदर। और इसमें लिथियम आयन की बैटरी है जो कि बहुत ही अच्छी बैटरी दी गई है। और अगर हम बात करें अब इसके मोटर की तो इसकी मोटर जो है वो है 550 वोट की मोटर लगाई गई है इसमें। और पीक पावर जो है वो 1200 वोट का दिया गया है इसमें। और अगर हम अब टायर की बात करें इसकी, जो टायर है वो इसमें अपोलो के टायर आ रहे हैं, 1200 वोल्ट का इसकी पीक पॉइंट मिलेगी। और आपको इसके अलॉय के अंदर हीरो की एक बढ़िया लोगो मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्टिमा CXR का बैजिंग। और इसके बाद आपको पीछे भी LED टाइप दी गई है लाइट, आप देख सकते हो। और पीछे भी अगर आप इसको कुछ लोड वगैरह बांधना चाहो तो आप इसमें इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो पीछे बैठने की सपोर्ट के अंदर।
तो भाई ये कुछ खासियत थी। इसकी बैटरी जो है वो आपको चार्ज हो जाएगी, 4 से 5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है इसकी बैटरी। इसमें अगर अगले टायर की बात की जाए तो अगले टायर में आपको मिलेगी एक हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग और इसका टेलीस्कोप सस्पेंशन है, ये क्रूज कंट्रोल में है और बहुत कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। और आप देख सकते हो इस ब्लू कलर के अंदर कितनी अच्छी लग रही है। ये 3 कलर के वेरिएंट में अवेलेबल है। ये तो है इसका वाइट कलर, ये आप देख सकते हो वाइट कलर में भी बहुत प्रीमियम लग रही है स्कूटी। ये इसका वाइट कलर है, इसके बाद इसका ग्रे कलर है जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देख सकते हो आप, ये 3 कलर में यहाँ पे स्कूटी खड़ी हुई है। भाई अब इसकी बात की जाए प्राइस की, तो इसका प्राइस जो आपको पड़ेगा ये है 85,190 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस मिलेगा, और बिलिंग प्राइस होगा 1,33,190 रुपये, यानी कि आपको कुल मिला के इसको देने होंगे 1,03,545 रुपये, जिसमें सब्सिडी मिलेगी आपको 48,000 रुपये। बातें हैं इसकी प्राइस के बाद के, कितने प्राइस में आपको पड़ेगी, ऑन रोड क्या रेट है, एक्स शोरूम क्या प्राइस है, इसकी कितना इंश्योरेंस है, क्या है, ये मैं सब कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। तो भाई ये जो आपको पड़ेगी ये ऑन रोड पड़ेगी 1,51,000 के करीब, जिसमें आपकी एसेसरी वगैरह सब कुछ आ जाएगी। और अगर आप इसकी सब्सिडी लेना चाहते हो तो सबसे मेन बात ये है कि इसकी सब्सिडी आपको तुरंत मिलेगी, जैसे आपको डिलीवरी के लिए दी जाएगी उसमें सब्सिडी काट के रुपए लिए जाएंगे, यानी कि 48,000 रुपये की सब्सिडी इसके ऊपर अभी चल रही है। यह आपको 1,03,000 के करीब कुछ अप्रोक्स में आपको ये मिल जाएगी, जिसमें आपका इंश्योरेंस वगैरह आर सी वगैरह के सारे प्राइस काट पीट के आपको ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, आर सी वगैरह इंश्योरेंस वगैरह 1,03,000 रुपये में सब कुछ कंपनी दे रही है। तो भाई इस प्रकार से कुछ CX ER की ये हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको दिख रही है, इस प्रकार की कुछ थी। और भाई अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।